नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो फ्लैट में जो जो लाइट फिटिंग की जाती है वो किस प्रकार से दी गया, ये बैल कब हो गया, अब इसमें एंटर कर चुके हैं हम अंदर। तो आप देखिए, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक करके सारा चीज़ दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका 4 मॉड्यूलर जिसमें एक रेगुलेटर और 2 स्विच हैं, जिसमें 3 स्विच हैं 6 एम्पीयर के, एक ही स्क्वायर बल्ब का और एक और है दोस्तों किसी न किसी का होगा। अब देखिए आप इसमें, जैसे कि ये देखिए आप फैन बॉक्स है, इसमें 3 यानी कि इसमें 3 फैन का यूज़ हम कर सकते हैं। एक्चुअली से ये झूमर उमर की वजह से दिया जाता है, वैसे तो मैं इसमें 3 रेगुलेटर ही यूज किए गए हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। अगर आप ड्राइंग भी समझना चाहते हो उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए आप ये देखिए, ये है पैनल। ठीक है, और इसमें से दोस्तों वायरिंग जाती है इसमें अंदर, तो आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें जो 3 फेज की है फिलहाल के लिए, इसमें सिंपल से किया हुआ है, इसलिए देखिए इसका जो डायग्राम इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। और दोस्तों आप देखिए इसका 3 फेज में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये, इसमें आप समझ सकते हैं। अगर नहीं ज़्यादा जानते तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, भेजिएगा, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तो देखिए दोस्तों, ये MCV 3 फेज की। ठीक है, इसमें से जो वायरिंग आ रही है जो सिंगल फेज में डिवाइड की हुई है। ठीक है, यानी कि ये MCV है, कितना की MCV दोस्तों, 18 क्या दिखा इस पर जो भी है, और ये दोस्तों 20 की। ठीक है, और ये दोस्तों है 25 की, और दोस्तों ये है 10 की है। ठीक है, कितने की दोस्तों, 10 की। ठीक है, और ये दोस्तों MCV है। ठीक है, 3 फेज की, ये 10 की हो गया, और इससे ऊपर का दोस्तों हमारा 25 का है, 20 का है। ठीक है, इस प्रकार से AC के लिए 25 का दिया हुआ है, पावर के लिए 20 का, और 10 से दोस्तों नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग सर्किट है सभी रूमों का, सभी लैट्रिन बाथरूम जितनी भी हैं जिनका सबसे अलग अलग हमने MCV बॉक्स में उतारा हुआ है सारा सर्किट, जिससे कि ताकि बाद में दिक्कत ना। ये देखिए दोस्तों 6 मॉड्यूलर और 1 मॉड्यूलर। ठीक है, तो ये देखिए TV के लिए, आप इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ गए होंगे उसे, 6 एम्पीयर का है पूरा। अब आप रसोई में जाइए। ठीक है, रसोई में अंदर आने के लिए दोस्तों देखिए, एक इसमें से यहाँ से जो आपकी बालकनी है वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए रसोई में, तो रसोई में 4 मॉड्यूलर यहाँ पर दिया है। ठीक है, और इसके बाद में जो भी आपके जो गीजर का पॉइंट है, ठीक है, ये दिया गया है जिसमें 4 मॉड्यूलर में इसका कनेक्शन किया है। ये है दोस्तों उसके लिए क्या बोलते हैं, RO के लिए। ठीक है, इसको भी ऑन ऑफ हम वहीं से कर सकते हैं गीजर वाले से। और ये दोस्तों एक अलग से दिया है किसी भी आइटम के लिए। और ये दोस्तों मिक्सी वगैरह कुछ एनी वे चलाने के लिए 6 एम्पीयर दिया है, और ये 16 एम्पीयर दिया है। ठीक है, ताकि हम किसी भी हैवी चीज़ जैसे माइक्रोवेव वगैरह एनी वे बड़ी बड़ी चीज़ जो भी है चला सकते हैं। और एक और दिया दोस्तों यहाँ पे 16 का, जिससे कि कोई मशीन हो भारी लोड की जिसको हम नीचे रख के भी चला सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ दोस्तों ड्राइंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये पहले से प्लानिंग की जाती है कि किस प्रकार से हम सारा कुछ करना होता है, और जब हमारे पास में ड्राइंग आती है तो हम उसको समझ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे देखिए ये हो गया दोस्तों, इसमें देखिए एक उसका लैट्रिन बाथरूम का हो गया, और ये एक रेगुलेटर फैन का है इसमें, और इसमें से लैट्रिन बाथरूम में आप देखिए, मैं बताऊँ आपको, इसमें गीजर का पॉइंट होगा एक। ठीक है, ये देखिए ये गीजर का पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें छोटे मोटे जो भी बोर्ड हैं वह ज़्यादा कुछ खास होंगे नहीं, इसमें नॉर्मल है। और नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए इसको दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 6 मॉड्यूलर का ही है। ठीक है, ये भी किसी आवश्यकता के अनुसार किया होगा, मुझे खास तौर से इसका पता है नहीं, लेकिन जो आपको दिखा रहा हूँ मैं उसकी ड्राइंग जरूर दिखा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग जरूर दिखाऊंगा आपको। तो अब इसमें बात करते हैं हम कहाँ पे बेडरूम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बेडरूम में जैसे हम एंट्री करते हैं दोस्तों, तो 2 बेडरूम है, एक इधर एक इधर, तो ये 2 BHK का हो गया ना। तो
वन मॉडुलर इसका, ठीक है। और ये देखिए टीवी का हो गया सेम जैसा कि आपने अभी देखा था, ठीक है। और ये एसी के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ से एसी को ऑन किया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एसी लगेगा जैसे ही ऑन किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसमें इस बल्ब के कनेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 6 मोटर, जहाँ से हम फैन रेगुलेटर वगैरह जो भी कंट्रोल करना चाहते हैं ये कंट्रोल यहाँ से हो जाएगा। सेम प्रोसेसर दोस्तों इसके जो बगल में दूसरा बेडरूम है उसमें, ठीक है, बिल्कुल सेम। यानी कि आप यहाँ से इस प्रकार से सारे फ्लैटों को पूरा तरह डिजाइन किया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही बाथरूम में एक पावर का गीजर दे दिया, एक कंसर्ट लाइट का दे दिया, और एक दोस्तों वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों सभी तरीके से कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ मैं दोस्तों, जैसे कि टेलीफोन लाइन हो गया और बाल बालकनी हो गया, तो उसमें किस प्रकार से करते हैं। देखिए ये बेडरूम वगैरह सारा कुछ हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए टेलीफोन का, इसमें दोस्तों टेलीफोन चार्जिंग वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से टेलीफोन का आउटपुट यानी कि कनेक्शन निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉलिंग चालू रहे। ये दोनों सिस्टम इसी प्रकार से एक साथ दिया गया है, ताकि आप आसानी से इसको समझ भी रहे। ये बालकनी है जिसमें कंसर्ट लाइट लगी हुई है, जो आपको शायद देख ही रही होंगी, जिसको दोस्तों हमें अंदर से ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अंदर से ही कंट्रोल करते हैं दोनों तरफ से। तब और दोस्तों जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे फ्लैट हैं, जिसमें सेम इसी प्रकार से पूरा डिजाइनिंग किया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, बाकी मैं ड्राइंग आपको समझा दूंगा या किसी इस प्रकार से क्या क्या होता है। और कोई दोस्तों आपको डाउट हो, कोई शंका हो किसी प्रकार की, आप निश्चित होकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, कैसी भी वायरिंग हो, कैसा भी कनेक्शन हो, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, धन्यवाद।